लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई महानगर पालिका भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है, जहां कुछ भ्रष्ट और जमानत पर छूटे अधिकारी दलालों और नेताओं के साथ मिलकर धांधली का धंधा चलाते हैं। बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे की माने तो जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है और मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर को प्रशासक बनाया गया है, तब से नवी मुंबई में भ्रष्टाचार का खेल ज्यादा तेज हो गया है। विजय घाटे ने कहा कि इससे देश की दूसरी रहने लायक सबसे सुंदर सिटी नवी मुंबई की छवि खराब हो रही है। जाहिर है, छवि बचानी है तो करप्शन करने वालों पर शिकंजा कसना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। महानगर पालिका जिस तरीके से कोरोना में अच्छा काम कर रही है, लेकिन धीमे चुने ये 2-4% के अधिकारी लोग जो है उनके वजह से ये सारा का सारा काम आज बर्बाद हो रहा है। आज नवी मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का अड्डा देख रही है। अतिक्रमण घोटाला हो गया था तो काफी सारे ऑफिसर वगैरह आज भी बेल पे है। अब बेल पे जो ऑफिसर्स लोग थे उनको अगर पालिका में अगर कार्यरत रखे तो ट्रांसपेरेंसी या क्लीन गवर्नेंस ये मिलना मुश्किल है। जब तक इस पर एक्शन ना ले लेते तब तक जो दाग लगा हुआ है वो तो दाग क्लीन करना नामुमकिन। तस्वीर में दिख रहा यह 21वीं सदी के शहर नवी मुंबई का मनपा मुख्यालय है, जहां करप्शन और धांधली का धंधा चलता है। पहले मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काले की पत्नी ने खुलासा किया और अब विधायक मंदाताई मात्रे ने जिस तरह बोगस भर्तियों की जांच और कार्रवाई की मांग की, वह इस बात का संकेत देता है कि नवी मुंबई मनपा आजकल भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है। वासी की जर्जर इमारतों को सीसी देने में भ्रष्टाचार और 8 करोड़ के उद्यान घोटाले को लेकर हुई बड़ी कार्रवाई इसके सबूत देते हैं कि नवी मुंबई मनपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी के जिला महामंत्री विजय घाटे इसे उन दागदार अधिकारियों की करतूत मान रहे हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर छूटे हैं और जिन पर धांधली के गंभीर आरोप लगे हैं, फिर भी वे महानगर पालिका में कुर्सियां तोड़ रहे हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे अधिकारियों और कारनामों से नवी मुंबई मनपा की छवि खराब हो रही है, इसलिए इसे रोकना जरूरी है। महानगर पालिका जिस तरीके से कोरोना में अच्छा काम कर दिया है, लेकिन गिने चुने ये 2-4% के अधिकारी लोग जो है उनके वजह से ये सारा का सारा नाम आज बर्बाद हो रहा है। आज नवी मुंबई महानगर पालिका महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार का अड्डा देख रही है। जैसा बीसीएस का स्कैम पहला हो गया था, अतिक्रमण घोटाला हो गया था तो काफ़ी सारे ऑफिसर वगैरह आज भी बेल पे है। अब बेल पे जो ऑफिसर्स लोग है उनको अगर पालिका में अगर कार्यरत रखे उनकी सेवाएं लेते रहे तो ट्रांसपेरेंसी या क्लीन गवर्नेंस ये मिलना मुश्किल है। जैसा कि अतिक्रमण के बारे में आज भी काफ़ी सारी शिकायतें आ रही है, शिक्षण के इसमें भी घोटाले हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आज अच्छी नहीं है, ये सारा चीज़ें हो रहा है। बीजेपी नेता विजय घाटे के अनुसार जब से नवी मुंबई मनपा में गणेश नाइक की सत्ता हटी है और प्रशासक अभिजीत बांगर के जरिए महाविकास आघाड़ी ने अपनी सत्ता कायम की है, तब से महानगर पालिका में भ्रष्टाचार का खेल और ज्यादा बढ़ गया है। उन्होंने अतिक्रमण आयुक्त अम्बरीश पटनीगिरी और दूसरे अतिक्रमण अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि ऐसे कई विभागों के उच्च अधिकारी हैं जो घोटाले के आरोपों में बेल पर छूटे हुए हैं, कईयों पर गंभीर आरोप हैं फिर भी वे ड्यूटी कर रहे हैं, कई ऐसे हैं जो राजनीतिक रसूख के दम पर एक ही पद पर कई वर्षों से टिके हुए हैं, ऐसे अधिकारी भ्रष्टाचार का जरिया बन रहे हैं। उन्होंने मनपा प्रशासक अभिजीत बांगर को शिकायत देकर ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है ताकि मनपा का प्रशासन पारदर्शी बना रहे। महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद जब से एडमिनिस्ट्रेटर है तब से ये चीजें हो रही है। वो कुछ अधिकारी माफिया के तौर पर यूज हो रहे हैं और अगर उनका ट्रांसफर करो या उनको कुछ दूसरे साइड पोस्टिंग के लिए दे दो तो कई अधिकारियों के नाम मुझे पता है कि जो मिनिस्टर के पास चले जाते हैं वहाँ से प्रेशर लेके आते हैं। एक दो केसेस तो ऐसे है कि जो कॉरपोरेशन ज्वाइन करने के पहले किसी पार्टी के पदाधिकारी भी रह चुके,
तो उनके जो आका है वो उनको सपोर्ट कर लेते हैं। तो कई सालों से जो एक ही डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं उनको तो तुरंत ट्रांसफर करना देना चाहिए। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं रखते और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले लेते तब तक ये आगे भ्रष्टाचार को रोकना ये बहुत मुश्किल बात है। और जहाँ एलिगेशन वाले जो आदमी है तो आप सेवा में रखिए लेकिन उनके पास कोई भी चार्ज ही मत दे दीजिए। वो कम से कम 5-5, 10-10 करोड़ का भ्रष्टाचार रुकेगा तो ये एक्शन बहुत ही जरूरी है। अब भ्रष्टाचार मुक्त काम के लिए ये एक अच्छी शुरुआत रहेगी ऐसा मेरा अपना मानना है कि जो मैं आयुक्त साहब को रिक्वेस्ट किया हूँ। जाहिर है अपने उपक्रमों के जरिए कई पुरस्कार जीत चुकी मनपा पर लग रहा भ्रष्टाचार का यह कलंक रेशम के गलीचे में टाट के पैबंद की तरह है। देखना होगा कि मनपा प्रशासक अभिजीत बांगर किस तरह धांधलीबाज एक्टिविस्टों नेता और अधिकारियों के इस नेक्सस के खिलाफ कार्रवाई कर पाते हैं या खुद ही इस दलदल के शिकार हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।